राज्य कर रहे हैं और वहीं उनका मित्र एक भिक्षा कर रहे हैं, घर में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। महाराज कहते ना, मेरा मित्र ये है, मेरा मित्र वो है, वहां तो बहुत ज्यादा अपने लोग संपर्कों की गणना करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। लेकिन मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें मैंने प्रेम का व्याख्यान तीन अक्षरों में किया है। पहला है अभाव, दूसरा है प्रभाव और तीसरा है स्वभाव। एक निर्धन है, जब तक उसके घर में धन का अभाव है तब तक उसके ऊपर धनवान का प्रभाव है। प्रेम का अंकुर कलिकाल में अभाव पैदा करता है और दुख का कारण आवश्यकता होता है। अगर सुखी रहना है तो आवश्यकताओं को अपने मत बढ़ाओ। आपकी बढ़ती हुई आवश्यकताएं ही आपके दुख का कारण है। अगर किसी के माँ बाप ने अपने बच्चे को स्नेह नहीं दिया, प्यार नहीं किया और पड़ोसी ने उसको उससे ज्यादा प्यार दिया, तो नो डाउट उसका ब्रेन कन्वर्ट हो गया, माँ बाप का अभाव कम और दूसरे का प्रभाव ज्यादा हो जाए। जिस तरीके से एक रोगी वैद्य से प्रभावित होता है, संसारी ज्ञानी से प्रभावित होता है, ऐसे ही ज्ञानी मूर्ख से डरता है, ज्ञानी मूर्ख से डरता है। और स्त्री का भय उसको सबसे ज्यादा भय उसकी सुंदरता से ही होता है। अभाव, आपके पास आज अभाव है तब तक किसी का प्रभाव है, और जैसे जैसे आपका अभाव खत्म हो जाएगा वैसे आपके जीवन में सामने वाले का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और जैसे प्रभाव खत्म हो जाएगा तो फिर आप अपना स्वभाव बता दोगे, तूने मेरे लिए क्या किया, दो वक्त की रोटी तो मैंने भी खिलाई थी भाई। भले ही किसी को सड़क से उठा ला करके सिर पे बिठाओ, लेकिन वो तब तक आपका है जब तक उसने दुनिया देखी नहीं, क्योंकि उसके बाद अवलोकन चालू हो जाता है, मूल्यांकन चालू हो जाता है कि भाई आप भी यही करते हो तो मैं भी यही करूँ। अगर इतनी क्षमता रखते हो तो भगवान शंकर ने विष पिया एक बार पी के तो बताओ, पियो ना एक बार विष, तो फिर आप ये कैसे कहते हो कि भगवान ने गांजा पिया तो हमने पिया तो क्या बुरा हो गया। आप किससे अपनी तुलना करने जा रहे हो? सम समान समन्विते सठे साठन समाचरित की बात तो ठीक है, लेकिन हम तुलना किससे अपनी करने जा रहे हैं? हमें तुलना किसी करनी, हम कौन है? जिससे हमारी दुनिया में पहचान है, जिसके वजह से मुझे दुनिया में सम्मान मिलता है, जिसके वजह से मुझे जानते हैं, मैं उसकी बराबरी करूं? नहीं। प्रमाण है कि अगर आपको कोई एक बार प्रणाम करे तो 100 बार उस गुरु को प्रणाम करो कि जिसने आपको इस लायक बनाया है। और अगर उसे तुलनात्मक दृष्टि करोगे तो एक दिन तो विनाश हो नहीं। रावण का नहीं चल रहा, मैं को द्वितीय नास्ती हूं तो चाहे भविष्य थी, आई एम समथिंग वाई। जैसे ही उसके पास अभाव कम हुआ वो अपना स्वभाव दिखाना चालू कर देगा, क्योंकि अब वो मूल्यांकन करेगा। साधारण व्यवसायिक जीवन है या संसारिक जीवन है, भागवत से
हटकर थोड़ा प्रमाण होगा जनरल नॉलेज के लिए। मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है या आपकी फैक्ट्री है, उसमें आपने 50 करोड़, 40 करोड़, 10 करोड़ की लागत लगाई है। उसमें एक एम्प्लाई है जिससे आप 10,000 रुपया महीना सैलरी दे रहे हो। आपने उससे बिलिंग कराया, आपने उससे मटेरियल मंगाया, धीरे 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 थोड़े समय उसने काम किया, फिर वो क्या करेगा? बंटी बाबू, एक टायर की रिमोल्ड तैयार करने में 600 रुपये लगते हैं और बंटी बाबू 3200 रुपये कमाते हैं। तो उसकी सोच बन जाएगी कि माल लेने कौन गया? मैं। रात में मशीनें किसने चलाई? मैंने। फिर इसमें हिस्सा कहाँ है मेरा? और वो उस त्याग को भूल जाएगा जिस त्याग को करके तुम यहां तक खड़े हुए हो। इस भारतीय संस्कृति में पैसे कमा लेना बड़ी आसानी की बात है। मेरा ये मानना है कि इस प्रकृति में लक्ष्मी घूम रही है, पकड़ने चाहिए। ये रामकृष्ण की भूमि है, यहाँ कोई भूखा रह ही नहीं सकता। अगर कर्महीन हो जाए तो क्या करेंगे? जो त्याग है उसे अनुकरण नहीं करेंगे, वैराग्य है उसका अनुकरण नहीं करेंगे। इस जीवन में अगर सबसे कठिन कार्य है तो आपके पास आशा से आए हुए व्यक्ति के विश्वास को पूर्ण करके, प्रामाणिकता से उसे संतुष्ट करके, हमेशा के लिए उसके दिल में बिठा लेना, उससे बड़ा कोई काम ही नहीं है महाराज। एक इंसान को जोड़ने से बड़ा कोई काम नहीं है। दौलत जोड़ना तो चुटकियों का काम है। ग्रेट फैक्टर एंड फियर ऑफ लॉस 2 पॉइंट इज मोस्ट बिजनेस पीरियड। लेकिन इंसान को जोड़ना जिस दिन सीख जाओ, उस दिन इंसान नहीं आपसे भगवान जुड़ना चालू हो जाएगा। अगर ये देखो कि इसमें परमात्मा है तो पहला क्या? अभाव। दूसरा प्रभाव। तीसरा क्या हो गया जी? स्वभाव। प्रकृति अपने समय पे बदल जाएगी ना। शरद ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा, वर्षा ऋतु आ जाएगी, पर मानव की प्रवृत्ति नहीं बदल सकती। और जिस दिन उसकी प्रवृत्ति बदल जाए उसका जीवन धन्य हो। श्रीमद् भागवत कथा से ये चीजें बदलनी चाहिए। आपकी वृत्ति बदलनी चाहिए, आपके चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। और एट लास्ट में प्रेम का भाव अगर करेंगे तो इस संसार का प्रेम पिघले हुए बर्फ से बढ़ करके कुछ भी नहीं, जो दोबारा जम नहीं सकता। मैं प्यासा बिंदु जन्म भर का, मैं प्यासा बिंदु जन्म भर का, इस जग का प्रेम है पल भर का। जन्म भर का।
सारे तक काफी गरुर होता है, न करता याद ईश्वर को दौलत का सरूर होता है, मगर करता है याद ईश्वर को वो उस पल जब उससे कुछ नहीं होता, हर तरफ से मजबूर होता है। आज सुदामा जी अपनी अर्धांगनी के साथ बैठे हैं, पत्नी ने कहा रे आपके मित्र द्वारिकाधीश है, बहुत संपत्ति है, बहुत दौलत है, चले जाओ थोड़ा उसे कुछ सहायता लेके आ जाओ। विप्र देवता ने कहा पागल हो गया कि सिंगरे जग को मैं देते रहो
प्रियता को कहाँ अब देती हो शिक्षा और अनको धन चाहिए बावरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अरे सारे दुनिया को हम ब्राह्मण ज्ञान देते हैं, सगरे जग को मैं देत रहो तियता को कहां तुम देती हो शिक्षा। आज आप मुझे शिक्षा दे रहे हो और अनको धन चाहिए बावरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भिक्षा इतना आसान नहीं होता मांगना, हमने तो गुरुकुल से पढ़ाई की, हमें पता है भिक्षा का भी एक विधान है। कई जगह ऐसी व्यवस्था होती, ट्रस्ट बहुत बड़ा, भंडारा होगा, पंडित जी को भोजन बाद में, जबकि ब्रह्म और ब्राह्मण का भोग पहले लगाया जाना चाहिए। कई बार हम जब यज्ञ कर्म करते हैं, सच्चंडी यज्ञ करते हैं, उसी में एक गंदे कपड़ों में भगवती आती है, कन्या के स्वरूप में हम उसे बाहर भगा देते हैं और सब कुछ करके पाप के भागी बन जाते हैं। विश्व रूपी परमात्मा को प्राणी मात्र में देखना ही तो साधना है। अगर यही नहीं भिक्षा की प्रक्रिया है, हम जब भिक्षा करने जाते थे, अगर किसी द्वार पर गए तो 9 बार गायत्री मंत्र का जाप करना होता है पहले, उसके बाद शुभ मंगलम भवतु भिक्षां देहि। एक मुख्य द्वार पे 3 आवाज दिया जाता है, मनसा वाचा कर्मण। तीसरे बार में अगर द्वार नहीं खुलता है, माई भिक्षा नहीं देती है, तो कल्याण वस्तु कह के दूसरे द्वार, ऐसे 4-5 द्वार पे जाना है। और अगर पूर्व की दिशा से गए हैं, शुभ मंगलम भवति भिक्षाम देहि, वहां भिक्षा नहीं मिली है, तो दिशा बदल दी जाती है कि वे पूर्व से नहीं पश्चिम से जाएंगे, उत्तर से नहीं दक्षिण से जाएंगे। खैर माई की कृपा थी हम पे, हमें तो कभी 3 घर भी नहीं मांगना पड़ा। जब भी पहुंचे एक ही दरवाजे पे, कुछ ऐसी दया थी माई की, मंगलम भवत बोलने का तो अवसर भी नहीं मिलता था। माई बोलती थी लल्ला आ गया बैठ जा, कहते थे माई वहाँ आश्रम में और भी लोग हैं, बोले उनके लिए भी बांध के ले जाइयो, हमें नहीं मांगना पड़ा ज्यादा। शुभ मंगलम भवत भिक्षां देहि, ऐसे चारों दिशाओं में घूम कर सन्यासी ब्राह्मण भिक्षा करता है। और अगर चारों दिशाओं को भ्रमण करने के बाद उसे भिक्षा नहीं मिलती है, नगर से बाहर पहुंचते ही उस गांव में दैविक आपदा आ जाती है, क्योंकि ब्रह्म ब्राह्मणों के अंदर वास करता है। तभी गोस्वामी जी ने रामायण को पढ़िएगा, क्या लिखा है कि पूजहि पीप सकल गुण। और गोस्वामी जी ने क्या कहा है ब्राह्मण को कि